आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मिथुन तुला और कुंभ राशि के जातकों की, देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, धन के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक सुधार देगा, परिवार के कार्यों में आज व्यस्तता भी देगा। अपने मित्रों से संबंध बनाए रखिएगा। घर से निकलते समय नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करिए। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। तुला राशि, आज विशेष रूप से घर में तथा कार्यालय में और समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। अनियमित भोजन से बचिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य खराब होगा। आज भगवान विष्णु को खिचड़ी अर्पित कर पाए तो दिन अत्यंत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कुंभ राशि, आज नौकरी अथवा कारोबार के कारण आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। सायंकाल भूमि से संबंधित शुभ सूचना भी मिलने का योग है। आज निश्चित रूप से वाहन धीमा चलाइएगा। हनुमान जी को चमेली का तेल आज चढ़ाने से दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हमारा विषय है शेयर बाजार का, तो शेयर बाजार का कुंडली कनेक्शन आप बताएं, लेकिन ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या शेयर बाजार का भी ग्रहों से कनेक्शन होता है? देखिए, आजकल नवयुवकों और युवतियों का आकर्षण शेयर बाजार की तरफ तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत लोग शेयर बाजार में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में यह भय भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जमा पूंजी डूब जाए या मुझे सूट ही ना करे। निश्चित रूप से बहुत लोग धन बना लेते हैं और बहुत सारे लोग अपना धन गंवा भी देते हैं। इस स्थिति में कुंडली के अतिरिक्त हाथ की रेखा भी आपको यह दर्शाने में सक्षम होती है कि आप शेयर बाजार में धन कमा पाएंगे या नहीं। देखिए, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले चार ग्रह प्रमुख होते हैं। सबसे पहला बुध, उसके बाद राहु, उसके बाद शनि तथा अपने रहस्यमय स्वभाव के कारण जाने जाने वाला केतु भी प्रमुख भूमिका निभाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों को शेयर बाजार में मुनाफा हो सकता है या वे इच्छित धन कमा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ में कनिष्ठिका उंगली या सबसे छोटी उंगली के नीचे बने बुध पर्वत को देखिए। देखिए, जैसे ये कनिष्ठिका उंगली है और इस कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे का ये जो भाग है यह बुध है। अगर यह बुध पूर्ण रूप से विकसित है, उभार लिए हुए है और इस पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं है, तो यह स्पष्ट है कि आपको शेयर बाजार से लाभ हो सकता है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बड़वानी से नाथू सिंह जी समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में नाथू सिंह जी आपका। डिटेल्स बताइए, क्या है जन्म की तारीख? 30 जून 2010। 30 जून 2010, जन्म का समय क्या है नाथू सिंह जी? 4:15। सुबह का या शाम का? शाम का जी। और जन्म का स्थान बताइए, बर्थ प्लेस? राजस्थान में बाड़मेर जिले में बालोतरा गांव। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं नाथू सिंह जी, सवाल पूछें? उसका थोड़ा ये दिमाग ऐसा है, थोड़ा कमजोर, बोलता नहीं है, तो उसकी क्या? ये आपके बच्चे की, ये बच्चे की है डिटेल्स, क्या है नाम उनका? सुरेंद्र सिंह नाम है। सुरेंद्र सिंह, ठीक है जी। नाथू सिंह जी, आपके बालक का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और जन्म कालिक इसकी मकर राशि है। कुंडली में बुध नामक ग्रह जो बालक के स्नायु मंडल को यानी न्यूरो सिस्टम को जो नियंत्रित करता है, वह जन्म के समय ही बेहद खराब स्थिति में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और वहीं पर केतु के साथ युति भी है, जिसके कारण आपके बालक को ENT प्रॉब्लम, गले नाक की समस्या हो सकती है और स्नायु से संबंधित
विकार हो सकता है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हरे वस्त्र का प्रयोग कराएं और प्रत्येक बुधवार को हरा अन्न बच्चे से छुलाकर गाय को खिलवाने का प्रयास करें और अपने तथा आपकी धर्म भार्या दोनों ही लोग ओम बुंग बुद्ध देवाय नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से बालक का स्नायुमंडल बेहतर होगा, आपका बालक स्वस्थ होने की दिशा में अग्रसर होगा। तो नाथू सिंह जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स और ईमेल आईडी आपको बताई जा रही है उन पर अपनी डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से शेयर बाजार से मुनाफा कमाने वाले योग भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली तीन राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष सिंह और धनु राशि के जातकों की, देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको लाभ मिलेगा। आज किसी रुके हुए कार्य को भी आप पूरा करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, भोजन और दवा दोनों समय पे लीजिएगा। आज बजरंग बाण का एक पाठ करिए, दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है।